अब रॉयल इनफील्ड अगर खरीदना चाह रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज की राइड हमारी फिक्स हो चुकी है आगरा के लिए, और आगरा जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है कि हमारी युधिष्ठिर भाई साहब की जो बाइक है हिमालयन, उसकी हम पिछली बार सर्विस करा के लाए थे, तो उसमें हमने कौन सेट नहीं बदलवाए थे क्योंकि उन पर कौन सेट नहीं थे आगरा सर्विस सेंटर पे। तो आज हम दोबारा जा रहे हैं, उनसे हमने पहले ही तय कर लिया है कि हाँ उन पे कौन सेट है, उन्होंने कहा है कि आप आ जाओ, तो आज कौन सेट बदलवा के लाने हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:45। गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। युधिष्ठिर भाई साहब को फोन कर दिया है, आने वाले होंगे, उनकी बाइक पे जाएंगे, आज उनकी बाइक को राइड करूंगा और देखूंगा कोई छोटी मोटी समस्या हुई तो। युधिष्ठिर भाई साहब का फोन आ चुका है, हम निकलते हैं, अब सीधा मिलता हूं मैं आपको बाइक। ओ तेरी कर रही प्रॉब्लम है। चलो जी, बारिश की बूंदों के बीच हम निकल चुके हैं आगरा, मौसम हो रहा है शानदार, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। बाइक में वास्तव में दिक्कत है, हम पिछली बार इसको दिखा के लाए थे लेकिन कौन सेट नहीं बदल पाया था क्योंकि था नहीं, और कौन सेट ना होने की वजह से बाइक प्रॉब्लम वास्तव में भयंकर प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आज कौन सेट बदलवा देंगे। तय पट्टी पहले ही हो गई है, कौन सेट उनके पास आ चुका है, सर्विस सेंटर वालों से बात हो गई है, कह दिया है आधा एक घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे, तो प्लीज़ टाइम दे देना हमको। बाइक की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत शानदार है, तो मैं बताऊंगा वहां पर क्या खर्चा आता है कौन सेट बदलने का। अब रॉयल इनफील्ड अगर ख़रीदना चाह रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। चलिए तो निकलते हैं सीधा आगरा की ओर। सारस चौराहे पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी थी, और सारस चौराहे से जैसे ही निकले हैं हम, करीब लगभग एक किलोमीटर भी नहीं आए और यहाँ एकदम सूखा। वारे ईश्वर तेरी लीला, फतेहपुर सीकरी 17 किलोमीटर। हमारे युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक को ये अपनी तरीके से रखते हैं, और जो विंडशील्ड है वो हटा दी है। विंडशील्ड इनको बिल्कुल, यूँ कहते हैं कि मुझे आगे का कुछ दिखता नहीं है, तो मेरे को विंडशील्ड कतई नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इन्होंने आई थी तो उसके एक दो महीने तक ही लगा के रखी, वो हटा दी है। बाकी लाइट वाइट वगैरह सब अच्छी है। फतेहपुर सीकरी यहाँ से 11 किलोमीटर है, ऊंचा नगला हमने क्रॉस कर दिया है, और एक राइट हैंड साइड में एक बोर्ड आएगा मंडी मिर्जा खां। यहाँ पर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि मंडी मिर्जा खां में एक पहाड़ी है और उस पर आप छोटा मोटा पिकनिक स्पॉट है, आप आ सकते हो, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और यहाँ पर पेट्रोल है 10 रुपये लीटर, सस्ता। एक बार यहाँ पर जितने भी बॉर्डर पर राजस्थान के पेट्रोल पंप है, उन्होंने हड़ताल भी कर दी थी कि ये स्थिति हो रही थी कि राजस्थान में कोई पेट्रोल भरवाने को तैयार नहीं था, और यहाँ से बस सीमा को कूदो, बाउंड्री पार करो और 10 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल। पेट्रोल के दाम इतने ऊपर हो रहे हैं तो कोई क्यों ना ले। अब गवर्नमेंट है, अपना अपना स्टेट है, अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, कोई 100 तो कोई 110, क्या बात है। अब ये देखिए आप, ये फतेहपुर सीकरी भी जा सकते हैं यहाँ से, ये मंडी मिर्जा खां और डाबर जगह है कोई। अभी मैं भरतपुर से यहाँ तक आया हूँ तो कम से कम 3-4 लोग ऐसे देख लिए मैंने जो डिवाइडर कूद कूद के आ रहे हैं। काफ़ी रिस्की है, अचानक कोई ट्रक वगैरह आ जाए या कोई बात हो जाए तो पल लगता है, पल भर में सब इधर से उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। पेट्रोल महंगा ज़रूर है लेकिन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, यू टर्न लेके आएं, रॉन्ग साइड कम से कम यूज़ करें, बहुत इमरजेंसी में ही यूज़ करें, नहीं तो करना ही नहीं चाहिए, रॉन्ग साइड बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यू टर्न ज़्यादा दूर है तो आप एक बार को सोच सकते हैं, लेकिन पास में है उसमें भी आप लोभ लालच कर जाते हो तो बहुत गलत है। और अभी आगे आ रहा है टोल, और टोल के बाद मैं बाइक दे दूंगा युधिष्ठिर भाई साहब को चलाने के लिए, और अपन पीछे बैठ के थोड़े से नज़ारों को डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी की रोड बहुत शानदार है, A1 ग्रीनिश है, बूंदाबांदी की वजह से माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हो चुका है, और आगरा अब दूर नहीं है, हम मुश्किल से आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल में, अप्रॉक्स 10:30 तक। और जब युधिष्ठिर भाई साहब के हाथ में बाइक आ जाएगी तो मेरे ख्याल में विदिन 20 मिनट्स, क्योंकि मैं तो चलाता हूँ 80 पे और भाई साहब चलाते हैं 100-110 पे, तो कोई नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं, उनको मालूम है, उनको बाइक चलाने का पूरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे राइडर हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब रोड टोल क्रॉस करके बाइक देता हूँ मैं युधिष्ठिर भाई साहब। स्पीड दिखा रहा हूँ, स्पीड हैवी ड्राइवर की स्पीड देख लो, हैवी ड्राइवर की स्पीड देख लो।
लौटते मैं फुल करवाई हूँ, अभी मत डलवा, लौटते मैं डलवाई हूँ, चलो। और हमने एक वाटर क्रॉसिंग कर ली है। युधिष्ठिर भाई साहब पेट्रोल भरवाना चाह रहे थे, मैंने कहा था ये टंकी फुल करवाते गारंटी से क्योंकि 10 रुपये सस्ता, तो मैंने कह दिया अभी मत करवाओ, एक्चुअली सर्विस पे देनी है बाइक, तो फुल करा के मत दो टंकी को, लौटते समय भरवाएंगे, आराम से लौटते समय भरवाएंगे तो खर्च भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा भी पेट्रोल मिल जाएगा, लौटते समय भरतपुर में आप ज़्यादा पेट्रोल लेके जा पाओगे, दैट्स अ गुड। एक घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं आगरा सर्विस सेंटर और बाइक हमने सर्विस के लिए दे दी है, जॉब गार्ड बन चुका है, बाइक अंदर आ चुकी है, तो सर्विस जब स्टार्ट होगी तो एक बार बाइक को दिखाऊंगा मैं उसमें किस तरीके से कौन सेट बदलेगी, क्या खर्चा आएगा वो बिलात में आ जाएगा जब दिखाएंगे, और इस ब्लॉग को देखने के बाद ही डिसाइड करना कि आपको रॉयल इनफील्ड या एनफील्ड की गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो लो जी हम चल दिए हैं बुलेट के सर्विस सेंटर से आगरा से भरतपुर, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है तो कोशिश यही करूँगा कि ब्लॉग जितना बन जाए उतना, नहीं तो फिर बाइकरों को अंदर रखना पड़ेगा। और कौन सेट बदल दिया है, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, मैंने पूछा था तो इस वजह से नहीं बनाई हमने वीडियो, थोड़ा सा इसका जो काम हुआ है इसका रिव्यू कहीं करेंगे, कहीं चाय की चुस्की लेते हुए। तो फिलहाल तो चलते हैं भरतपुर, हमारे युधिष्ठिर भाई साहब के संग हो गया कांड और ये पीछे बैठे हुए हैं, मैंने शुरू में व्लॉगिंग करने के चक्कर में मैंने ले ली बाइक हाथ में और मैं बिल्कुल भूल गया कि बरसात में पीछे से ये छींटे मार देगी, तो हमारे युधिष्ठिर भाई साहब पीछे से हो गए थोड़े से गीले पीले कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आराम से चला रहा हूँ, वैसे तो स्पीड तो तब भी नहीं थी लेकिन वहाँ बरसात थोड़ी सी ज़्यादा थी, रोड पर पानी था हल्का फुल्का तो छिसकना बिल्कुल लाजमी था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आराम से चलेंगे और इधर रोड गीली तो है लेकिन वैसी नहीं है कि पानी उछल के पीठ पे आ जाए। वाह क्या बात है, नंबर एक। मैं कह रहा ना कहीं कहीं ऐसे पैच आते हैं, इतनी शानदार खूबसूरती देखने को मिलती है आपको, इसको कैमरे को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। आह ब्यूटीफुल 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 ऑसम, ओहो मज़े आ गए मज़े। 98 रुपये 54 पैसे यहाँ पर पेट्रोल है, 98 रुपये 54 पैसे और टंकी करवाई जा रही है फुल। तो हम आ चुके हैं घर पे और रास्ते में हम ब्लॉग नहीं बना पाए, एक्चुअली बरसात हो गई थी और तो हमको सारे इक्विपमेंट अंदर रखने पड़े और ना हम कहीं रुके ना हमने कहीं चाय पी, सीधा घर पर आके सीधा बाथरूम में नहा धो के आपके सामने बैठ चुके हैं। और आज का जो कौन सेट का जो खर्चा आया है हमारे युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक में 1034 रुपये 99 पैसे, जी हाँ 1035 रुपये का कौन सेट है और 442 रुपये 50 पैसे मतलब 443 रुपये की लेबर चार्ज है, टोटल 1480 रुपये पे किए हैं। तो ये रॉयल इनफील्ड का बिल है, इन्होंने बिल भी दिया है हमको, तो ये एक्चुअल में खर्चा एक कॉन्सेट बदलने का ये आता है, तो खर्चा कुछ भी नहीं है और उनकी जो बाइक के कॉन्सेट बदले हैं अप्रॉक्स 15,000 लगभग 15,000 किलोमीटर चलने के बाद कॉन्सेट बदले हैं, जिसमें उन्होंने एक मनाली टूर भी किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, 15,000 किलोमीटर चलने के बाद अगर कॉन्सेट बदलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है और उनके बराबर ऑफ रोडिंग कोई करता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते, तो मेरे हिसाब से रॉयल इनफील्ड हिमालयन दी बेस्ट मोटरसाइकिल फॉर ट्यूरिंग, तो आप बिना सोचे समझे आँख बंद करके खरीद सकते हो। तो इस ब्लॉग को अपन अब यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू।